अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। की उम्मीद करता आप सब भी खैरियत से होगे, फिट होगे, खुश होगे। सो फाइनली बैक आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैलेंज लिया है जो कि ओनली वुड पीकर का। और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है यार, न्यू ईवो वुड पीकर आई थी जो कि ये वाली बाइक की मैक्स और ऑलरेडी मौजूद है। तो आज के ये वाली गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि यार चैलेंजेस बहुत ज्यादा मिस कर दी यार मैंने, नहीं लिए। और अभी यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को पता है पुशिंग थोड़ी सी यार नॉर्मल हुई है, अब यहाँ पर हम लोग चैलेंजेस वगैरह भी करेंगे हर वीडियोस के अंदर भी। आप लोग कमेंट सेक्शन में चैलेंजेस वगैरह अपने शेयर कर सकते हो। और आज यहाँ पर जो कि वुड पीकर का आप लोगों ने चैलेंज दिया और काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले निकल के आई, जिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि वीडियो के अंदर क्लचेस बहुत जबरदस्त थे, अनलकी मोमेंट्स काफी हैवी देखने को मिलेगा आप लोगों को, और लास्ट ऑन फाइट जो कि बहुत हैवी रही है। सो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। एंजॉय गेम प्ले। तो भाई की लैंडिंग हमेशा की तरह पीक पर ही रही है, और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज यहाँ पर आवाम बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई ने वुड पीकर का चैलेंज लिया, तो वुड पीकर भी ढूंढेंगे। लेकिन उतरते ही यहाँ पर किस्मत काफी अच्छी चल रही है, भाई की ट्रोगन हाथ में आ चुकी है और मैक्स सेवन, मतलब आज तो फट्टे उड़ा देने वाला हूँ यहाँ पर काफी जबरदस्त वाले स्टार्ट में ही। तो अब जाके देखते हैं अंदर कौन कौन है। अब यहाँ पर M1887 मैंने उठाई है यहाँ पर, और इतने में ही यहाँ पर एमी का किल भी आना स्टार्ट हो चुका है। लॉबी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि यार लॉबी कितनी खतरनाक है, और कौन कौन से रीजन वाले प्लेयर्स आप लोगों को इस लॉबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और कितनी खतरनाक भाई की गेम निकल के आने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अब हम लोग टोकन वगैरह क्लेम कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि एम यहां पर फाइट कर रहा है यहां पर कहीं ना कहीं पिनाई लोगों के साथ। और अब यहां पर भाई भी आप लोगों का पंगा लेने वाला है, लेकिन सोच समझ के। अब यहां पर वो टॉप कोल के खड़े हुए, दो को यहां पर शॉट लगाया मैंने, पिनाई को यहां पर कहीं ना कहीं नॉक किया मैंने। अब यहां पर एमी ने भी एक को नॉक कर दिया। अब यहाँ पर जदीद से यहाँ पर फिनिश वर्क कर रहा था, मुझे पहले इस तरह लग रहा था कि यार मैं किल उठाने वाला हूँ, लेकिन किल नहीं उठाने वाला था, वो नॉक पड़ा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा था। और उसकी यहाँ पर लूट वगैरह भी हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतने में यहाँ पर रेड करने के लिए आता है भाई साहब, और ये कोई थर्ड पर्सन ही है जो कि आया इस बेचारे को भी यहाँ पर। लेकिन यार ये बंदा इतना कोई ढीठ बंदा है, ये बंदा मेरे ही गिल्ड का है, लेकिन यार इतना कोई ढीठ बंदा है, ये पूरी लॉबी के अंदर और पूरे मैच में आप लोगों को ये बंदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग बिना शक्ति पहुंचे हैं। अब यहाँ पर हम लोग, और नीचे फाइट चल रही थी जो कि फॉरन से ही मैं जिपलाइन से उतर गया था, और वुड पीकर M1887 लेकर अब यहाँ पर भाई आप लोगों का रश करने वाला। देखते हैं वुड पीकर से आज हम लोग चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना कि हुआ कंप्लीट या नहीं हुआ। तो और अब यहाँ पर वुड पीकर का पहला हेडशॉट फाइनली यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के सामने ही। अब यहाँ पर फिनिश करते हैं, इसका एक और टीममेट भी यहाँ पर मौजूद है, एमी ने यहाँ पर नॉक किया है और फिनिश भी कर लेते हैं जाकर। अब यहाँ पर भाई आप लोगों का ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हाउस के ऊपर आ चुके। मैंने कहा यार ये जो बंदा इस साइड पर दमे देखने को मिल रहा था ना, उस बंदे को पकड़ा जाए, लेकिन वो बंदा हमारे सामने आ ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर जैसे ही नजर आया तो इसको मैं हेडशॉट कराया। देखो अब इतनी देर में देखो ये बंदा दोबारा से रिवाइव होकर भी हमारे पास पहुंच चुका है, DF रोलेक्स। तो अब यहाँ पर चार किल यहीं पर ही कंप्लीट भाई के, और जो कि हमारे सर्वाइवर को कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉक किया गया था, तो हम लोगों ने कहा यार सर्वाइवर को भी रिवाइव वगैरह कर दी जाए। ओके रिवाइव वगैरह किया सर्वाइवर्स को, और अब यहाँ पर लूट वगैरह करके हम लोग ऊपर की तरफ पहुंचे। अब एलिशे पे यहाँ पर बंदा लैंड हुआ था, तो अब यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और गलती नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि इतनी जल्दी। और एमी चला गया भाई। ओके यहाँ पर बंदा है सामने, ओ क्रोनो ऑन कर लिया, मतलब अंदर से जाना पड़ेगा। ऊपर जाते हैं और चलो फाइनली नॉक कर दिया, ज़बरदस्त ये अच्छा है, जबरदस्त नॉक कर दिया। अब लूट वगैरह इसकी देखते हैं, कोई लूट अच्छी गन मिल जाए ना। ओए फिर आ गया ये, देखो यार इसके हालात चेक करो, ये भाई साहब फिर पहुंच गया यार। यार ये बंदा क्या कर रहा है यार, लेकिन नॉक कर दिया, लेकिन वो बंदे ने मुझे फिनिश कर दिया है। DF रोलेक्स यार, इस बंदे ने पूरी गेम में हमारा पीछा किया, लेकिन ये बंदा हमारे से बहुत गंदा पिटा है यार, बहुत गंदा पिटा है हर दफा हमारे से। अब यहाँ पर भाई आप लोगों को दोबारा से लैंड कर रहा था, और इतने में ही मैंने उतरते हुए देखा ये दोबारा से उतरा है, और मेरे साथ ही मैंने इसको यहाँ पर हवा में रेड नंबर कराया, मुझे गुस्सा आ चुका था, और यहाँ पर इसको इमोट करा दिए। मैंने कहा भाई साहब यार बहुत हो गया यार, क्योंकि ये बंदा बार बार आ रहा है यार, लिटरली इसके भी टीममेट इसको बार बार रिवाइव दिए जा रहे हैं, और ये भी यहीं पर उतरने को राजी है। अब यहाँ पर हम लोग लूट करने में इतने मगन थे, हमारा तीसरा टीममेट भी हमारे पास पहुंच चुका था, और 45 प्लेयर स्टिल लाइव थे। ऊपर से यहाँ पर पड़ती है कवर में बंधा था, और हम यहाँ पर मस्त बॉल खड़े हुए, लॉन्ग रेंज हमारे पास है नहीं, और मैं ग्लू वॉल निकालने के चक्करों में एक समेट यार वो दे गया यार शॉट। अब यहाँ पर कहाँ से बचा हूँ, फाइनली रिवाइव हो गया हूँ, और यहाँ पर अरे हेडशॉट तो कराया था उस बंदे को यार, वुड भी ये देखो दोबारा से उतर गया यार। मैंने कहा एमी को बोला कि यार इसको पहले फिनिश कर, बाकी बाद में देखेंगे, लेकिन वो बंदा अपने आप को सर्कल में कवर कर लेता है, और यहाँ पर एमी ने मुझे यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर रिवाइव किया, तो अब रिवाइव करते हैं, और चलो फाइनली रिवाइव हो गया हूँ। अब ये देखो यार ये कहाँ से पड़ी है मुझे, अब वो भी बंदे ने मुझे, यार मेरे साथ तो इतना अन्याय हो रहा है ना यार, लिटरली यार मुझे घर जाना है। अब ये तो वाकई में वही वाला सीन बनता है मेरे साथ यार, इतनी दफा कौन नॉक होता है यार, और बंदे भी सिर्फ मुझे ही देख के नॉक कर रहे हैं।
अब यहाँ पर अपनी वुड पीकर वापस उठाते हैं, लूट में देखते हैं यार, लूट में वुड पीकर हमारे मिल जाए जल्दी जल्दी से ताकि चैलेंज को कंटिन्यू करें। चलो फाइनली वुड पीकर आ चुकी है और यूएमपी भी भाई के पास मौजूद है, मिशन वगैरह यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हमारी तरफ से। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यार और कोई यहाँ पर आएगा या नहीं, क्योंकि फाइट काफी हैवी चल रही है। अब देखो ये देखो दोबारा से अब यहाँ पर बंदे पहुंचे हमारे पास यहाँ पर, लेकिन एमए ने नॉक कर दिया ये वाला बंदा, इसको मैं हेडशॉट कराता हूँ 246 का वुडपीकर। तुम लोगों को पता है ना यार MSI 4 पे तो यार वुडपीकर क्या ही झकास किस्म की चलती है यार, और सारी वन टैप गन्स जो है बहुत हैवी किस्म की चलती है भाई। आप लोगों का काफी अर्से बाद MSI 4 पे खेल रहा है और अब यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। अब तुम लोग भी यही कहने वाले हो कि यार MSI 4 क्यों यार, MSI 4 जो कि पीसी प्लेयर्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि MSI 4 भाई क्यों बोल रहा हूँ कि यार MSI 4 बहुत हैवी वरियन है। और ये बेचारे को यार वो हवा में लिटरली हैकर लेवल हेडशॉट खेला यार ये तो, और आपको भी हेडशॉट यहाँ पर देंगे। और सात के लिए यहीं पर ही कंप्लीट हो चुके हैं, 30 बंदे बचे हैं जोन के सेंटर, हम लोगों ने कवर अप किया लास्ट जोन का सेंटर हम लोगों ने कवर किया। अब यहाँ पर हमारे पास चांस था कि यार थर्ड पार्टी होने का, अब यहाँ पर इसको मैंने फुट पिकर का हेडशॉट कराया। ये जैसे ही देखो सामने जो भी आएगा ना आज भाई क्या तो नहीं बच सकता, और लेकिन उसका टीममेट पहुंच गया, यहाँ पर नेड आलू बरसाया उसने मेरी तरफ। अब यहाँ पर देखो अब आलू को मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल लगाकर रोक दिया, लेकिन अब यहाँ पर ये देखो ना फ्रीज फेंक दी भाई साहब ने, अक्ल थोड़ी सी कुछ ज्यादा यूज कर रहा है भाई। अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वाड भी आ गया, इसको यहाँ पर वुड पिकर कर दूंगा। अबे यार क्या ही कंटिन्यूअस दो हेडशॉट, और तीसरे को भी यहाँ पर देते हैं। अब आखिरी बंदा इनका बच्चा है और ये आया और इसको भी, को भाई साहब कैसा था पब्लिक कमेंट सेक्शन में बताना यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पब्लिक ये वाला क्लच कैसा था यार, लिटरली जिसने ये वाला क्लच मिस कर दिया ओपन द चैट एक दफा यार, बहुत ही हैवी किस्म का था। और अब यहाँ पर 30 बंदे बचे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब थोड़ी सी सर्वाइव भी कर लिया जाए, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, सर्वाइव तो नहीं करेंगे लेकिन होल्ड करते हैं घर के अंदर ही, क्योंकि जोन हमारे पास एडवांटेज है। मैं यहाँ पर बाहर जाता हूँ जो बंदा बैठा होता है मेरा तो एक दफा लिटरली मैं ऐसा डरा हूँ ना, क्योंकि पता नहीं था ना यार, जब बंदे को पता ना हो तो फिर वो अलग ही सीन होता है यार। तब यहाँ पर मेडी मैंने लगाई और यहाँ पर कुछ जो कि ग्लू मेल्टर वगैरह मैंने फेंक के, और वॉल तोड़ता हूँ मैं जल्दी जल्दी से। नीचे जो कि बंदे यहाँ पर आ चुके हैं पूरे स्क्वाड, अब तुम लोग जोन चेक करो और बंदे चेक करो यार, इतनी कोई हैवी किस्म की लॉबी है और उसमें भी भाई आप लोगों का ओनली वन टाइम खेल रहा है यार, क्योंकि चैलेंज था ना तो चैलेंज तो कंप्लीट करना है ना भाई ने। अब यहाँ पर मैं M10 के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहा था, मेहर को हम लोगों ने ऊपर बुला लिया था, और यहाँ पर जो कि पीछे से हमें बंदा जो कि देखने को मिला था लॉन्ग रेंज पे, दो बॉडियाँ मैंने कराई। अब मैंने नीचे से फुटस्टेप आते एक गया, कोई दूसरा गया, उसमें तीसरा, अरे भाई साहब यार कितने जा रहे हैं यार, मोस्ट इंटेंस। मैंने इरादा किया कि भाई लैंडमाइन यहाँ पर फौरन से लगाता हूँ, और यहाँ पर लैंडमाइन लगा कर ना फौरन से ऊपर आया, मैंने फ्रीज वगैरह फेंकी यहाँ पर, और मेरे पास जितना सामान था नेड वगैरह ना भाई ने इरादा किया हुआ था कि यार बंदा कोई ना कोई नॉक होगा, लेकिन किस्मत इतनी को ठटी किस्म की चल रही है ना यार। तो अब देखो ये भी नेड मैंने फेंक दिया, ये भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने पीछे से भी कर दिया कि यार ताकि हमारे पास कोई नेड ना बरसाए। अब यहाँ पर अबिलिटीज आके लग रही थी यार हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई निकलना नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे निकले तो भाई टॉप पोजीशन हमारी जाएगी। अब पता नहीं आज भूया निकाल पाते हैं या नहीं, क्योंकि भाई के अंदर जो कि वन टाइम वाला कीड़ा जागा हुआ है। अब वन टाइम के चक्करों में तुम लोगों को पता है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गेम में। तो अब देखते हैं 11 किल तो भाई हम लोगों ने निकाल चुके हैं। अब भाई काफ़ी देर के बाद यहाँ पर देखते हैं कि यार नीचे गाड़ी में बंदे बैठे हुए हैं, और 149 का मैंने हेडशॉट करा दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फौरन से जंप करता हूँ उनकी गाड़ी के ऊपर, और देखो यार उसके साथ यार एक ही बुलेट का होगा, लिटरली बच कैसे गया, किस्मत हो तो ऐसी यार, कहाँ से मुँह से बच के निकल गया यार। और यहाँ पर अब ऊपर छत के ऊपर बंदे खड़े होते हैं, और मैं यहाँ पर फुट फिगर का यहाँ पर हेडशॉट कराता हूँ, लेकिन यार ये साथ वाला वो पीछे वाला टीममेट मेरा भी गया। अब यहाँ पर एमी आखिरी बंदा बचा है यार, वन टाइम के चक्रों में ना मुझे लग रहा है कि हम लोग भूया हाथ से निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर एमी और टेडी यहाँ पर बचे हैं साथ के, और देखते हैं क्या हम लोग आज भूया निकाल पाते हैं या नहीं। यार ये ऊपर वाले ने बहुत दिमाग स्टार्ट किया हुआ है, अब यहाँ पर ये खुद यहाँ पर निकल गया, और यहाँ पर एक ही बंदा इसका था, इस बेचारे को तो हम लोगों ने पकड़ लिया किस तरीके से एमी ने काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर अब टेडी देखते हैं टेडी क्या करता है, और ओए एमी को ही पड़ गई यार कहीं ना कहीं से। अब आखिरी बंदा है, पब्लिक क्या लगता है अभी टॉप 10 चल रहा है यार, टॉप 10 चल रहा है, और व्हीकल्स के साथ बंदे सिर्फ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला स्क्वाड भी यहाँ पर बैठा हुआ है वेट कर रहा है कि यार टॉप पोजीशंस बने तब पॉसिबल रहे। अब ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी यहाँ पर घूम फिर रहा है, और मेरा कहीं ना कहीं ट्रक ये वाला जो कि टैडी वाला एक ही बुलेट का बचा है। अब देखते हैं क्या होता है, और फाइनली 8 बंदे रह गए हैं, और क्या हम लोग आज यहाँ पर टॉप पोजीशन या फिर भूया कर पाएंगे। वो देखो वो किधर उड़ रहा है यार ट्रक मॉन्स्टर। ओके अब यहाँ पर, अरे नहीं यार गया, ओए नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो टॉप 2 भी नहीं हुआ, अभी तो टॉप 2 भी नहीं हुआ भाई साहब, काम खराब हो जाएगा।
स्टडी आज कर ले, टॉप टू तो कम से कम हो जाना चाहिए यार हम लोगों का। ओ अब लग रहा है हो गया। हाँ चार बंदे फिर रहे हैं अब, यहाँ पर टेडी ने इमोट कर दिया था और देखते हैं सामने वाले क्या करते हैं, क्या टीम करते हैं या नहीं। अरे हेडशॉट करा रहा है, शॉट करा रहा है वो तो। अबे टीम अप करके धोखा कर रहे हैं जालिम के बच्चे। ओके 1-1-0-4 करा नाइस जबरदस्त। क्या टेडी कर पाएगा 1v4 क्लच। अरे नहीं यार मारे गए भाई साहब। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।